अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां समान नागरिक संहिता विधेयक पहुंचा राजभवन। विधानसभा के पास होने के बाद राजभवन इस विधेयक को पहुंचाया गया। जल्द ही राष्ट्रपति को यूसीसी का विधेयक भेजा जाएगा। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ सोनू इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, समान नागरिक संहिता का विधेयक राजभवन पहुंच चुका है। देखिए, हाल ही में जब उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया था, तो दो विधेयकों पर जो है चर्चा हुई और इनको पारित किया गया। एक संशोधित विधेयक था जिसमें राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के संशोधन के साथ उसको पारित किया गया। और दूसरा जो है वो यूसीसी, जो कि काफी लंबे समय से मीडिया की सुर्खी बना हुआ है और चर्चाओं में है, ये विधेयक पारित किया गया। और जब विधानसभा से पारित करने के बाद जो विधानसभा का सचिवालय है, जो अन्य शासकीय प्रक्रिया उसको पूरा करने के बाद अब ये राजभवन भेज दिया गया है। राजभवन में इसका परीक्षण कराया जा रहा है और अब इसके बाद जल्द ही इसको राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। यूसीसी को लेकर के जिस तरह से प्रावधान किए गए हैं, जिस तरह से चर्चा की गई और जिस तरह से पक्ष विपक्ष के प्रतिक्रियाएं सामने आई, निश्चित तौर पर ये चर्चा का विषय बना रहा। और जब ये विधानसभा सत्र के दौरान हाल ही में जो आउट हुआ था, पारित किया जा रहा था, उस वक्त देश दुनिया के लोगों की नजरें जो है वो उत्तराखंड पर थी। तो अब इस यूसीसी के विधेयक को राजभवन विधानसभा सचिवालय ने भेज दिया है और राजभवन से परीक्षण के बाद इसको राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उसके बाद मंजूरी के बाद उत्तराखंड में इसको लागू होता देख पाएंगे। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई देहरादून से, जहां यूसीसी का विधेयक जो है पहुंचाया गया है राजभवन, और आने वाले समय में जो भी प्रक्रिया होती है इस कानून को लेकर होगी और जल्द ही ये कानून जो है प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।